अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू किचन टाइम। आज मैं आप सबके लिए बहुत ज़बरदस्त सा एप्पल और लेमन का जूस लेकर आई हूँ, जो कि अफ्तारी में बहुत मज़े का लगता है। आप इसको ज़रूर अफ्तारी में बनाइएगा और अपने घर वालों को पिलाइएगा। और इसका कलर चेक करें, कितना ज़बरदस्त आया है और बिल्कुल होममेड है। इसमें कोई चीज़ ऐसी शामिल नहीं की गई। आप इसको ज़रूर बनाएं, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सेब और लेमन का जूस बनाने के लिए हमें चाहिए 2 सेब और 1 अदद बड़े साइज का लेमन। तो लेमन अगर आपके पास बड़े साइज का नहीं है तो 2 छोटे साइज का ले लें। अब हम सेब की कटिंग करेंगे। इस तरह हमने सारे सेब को काट लेना है। ये देखें, सेब को मैंने सारे को काट लिया है। अब हमें इसके छिलके उतार लेने हैं और इस तरह टुकड़े करके सेब को किसी और प्लेट में रखते जाना है। ये देखें, इस तरह हमने इसको काट लेना है, इसके बीच निकाल लेने हैं और इस तरह हमने सारों के छिलके उतार लेने हैं। ये देखें, सेब को मैंने इस तरह सारे कटिंग कर लिया है। अब हम कोई बर्तन लेंगे, कोई भी ले लें आप, और इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे और इसमें हमने सेब डाल देने जो हमने काटे थे। और इसके बाद हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। 2 खाने का चम्मच चीनी मैंने इसमें शामिल किया है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। 2 गिलास पानी हमने इसमें शामिल करना है और इसको हमने तकरीबन 7 मिनट के लिए कुक करना है। और हमने जो इसकी आंच है वो मीडियम से थोड़ी सी ज्यादा रख के इसको कुक करना है। जब तक हमारे जो सेब हैं वो कुक होते हैं, तो हम इसकी ये जो लेमन है इसको इस तरह छील लेंगे। इसकी जीस्ट हमें चाहिए और ये कद्दूकस आप ले लें या बड़ा ले लें, जो भी आप चाहें ले सकते हैं। इसकी सारी हमने जीस्ट उतार लेनी है पूरे लेमन की। ये देखें, मैंने इसकी जीस्ट जो है वो उतार ली है। अब हम ये जो छिलका बच गया है, इस तरह हम इसको छील लेंगे लेमन को सारे को। ये देखें, इस तरह हमने लेमन को छील लेना है। जब हम लेमन को छील लेंगे तो हमने इस तरह इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखें, इस तरह हमने पीसेस इसके काट लेने और इसके बीज हमने निकाल देने हैं लेमन के। और अब हम दूसरे चूल्हे पे अपनी ये कोई बर्तन ले लें, देगची ले लें, वो रखेंगे और इसमें ये डाल देंगे लेमन और जीस्ट इसकी। और इसमें भी हम चीनी शामिल करेंगे और इसमें भी हमने 2 खाने का चम्मच चीनी शामिल करनी है। इसके बाद हमने इसमें पानी शामिल कर देना है और ये पानी 1 गिलास मैंने लिया है। और हमने चूल्हा जला देना है और इसको भी हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए कुक करना है। ये देखें जी, लेमन वाला पानी है वो भी रेडी हो चुका है और सेब वाला पानी है वो भी रेडी हो चुका है। अब हम इनको उतार लेंगे। अब हम एक ब्लेंडर जग लेंगे और इसमें सेब वाला पानी जो हमने कुक किया था वो डाल देंगे और इसको हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। जब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे तो हमने इसको स्ट्रेन कर लेना है, छान लेना है हमने इसको। और इसके बाद हमने लेमन वाला पानी ब्लेंडर जग में डाल देना है और इसको भी हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। जब लेमन वाला जूस भी हम ब्लेंड कर लेंगे तो हम इसको भी छान लेंगे। जूस में, एप्पल के जूस में हम इसको छानेंगे, लेकिन इकट्ठा हम इसको ब्लेंड नहीं कर सकते। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये लेमन और जो एप्पल का जूस है आपस में मिक्स हो जाए जी। तो हमारा मज़ेदार सा जूस तैयार है। अब हम इसको ठंडा करेंगे और इसको किसी जग में डाल देंगे। अब हम इसको जग में डालेंगे और कुछ हमने आइस क्यूब गिलास में डाल देनी है और हम इसमें डाल देंगे अपना जूस जी। तो हमारा मज़ेदार सा सेब और लेमन का जूस तैयार है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इसको ज़रूर बनाइएगा इफ्तार में, और ये बहुत मज़े का बनता है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।